बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का शोकॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शुरका की तालियां। सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। सीईसी अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी की ऑपोजिशन लीडर सेनेट से मुस्ताफी होने की तजवीज मुस्तरद कर दी। अरकान ने कहा, आपने उसूलों की खातिर वजीर आजम की कुर्सी को ठोकर मार दी थी, मुस्ताफी होने की कोई जरूरत नहीं। नालायक ऑपोजिशन मिलना हमारी खुशकिस्मती है। शेख रशीद का सियासी मुखालफीन पर तंज। बोले, ये ऑपोजिशन खुद आपस में ऑपोजिशन है। हम डस्का में इलेक्शन हार कर भी जीत गए। पंजाब में आइंदा मार्का पीटीआई और नून लीग के दरमियान होगा। इमरान खान ने तमाम माफिया को ललकारा हुआ है। पंजाब में किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहांगीर तरीन का तूफान शायद पंजाब की हद तक ही हो, हमारा तरीन के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान अनाड़ी और नालायक माफिया के कप्तान हैं। कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। मुल्क पर कर्जे चढ़े हुए हैं, इसलिए अवाम पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। लाहौर, फैसलाबाद और पिशावर में कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा, मुल्क में किचन ट्रक का जाल बिछाएंगे, गरीब रोटी खाएंगे तो मुल्क में बरकत आएगी। स्मार्ट और मौसर लॉकडाउन बेकार। बुज़दार हुकूमत 6 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए हो गई तैयार। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान शामिल। काबीना कमेटी का बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तजवीज कल एनसीओसी इजलास में पेश की जाएगी। लाहौर में 24 घंटे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड। अस्पताल मरीजों से भर गए, वेंटिलेटर्स पर गुंजाइश खत्म। नून लीग जीती नहीं, पीटीआई हारी है। फवाद चौधरी ने डस्का में नाकामी की जिम्मेदारी पीटीआई पर डाल दी। मौबनी खसूसी फिरदौस आशिकाबाद ने इल्जाम लगाया कि आरओ ने बड़ी मुश्किल से हमारी फतह हार में बदली। पीटीआई उम्मीदवार अली असद की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। बोले, इलेक्शन कमीशन ने जीता हुआ इंतखाब मुझसे छीना। शहबाज शरीफ का डस्का इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान से वही आवाज आ रही है जिसका फैसला डस्का ने दिया। वोट की जंग लड़ने वालों का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये आटा और चीनी चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। मॉइस्चर ठीक हो तो लंगर नहीं कारखाने चलते हैं। फवाद चौधरी को दोबारा वजीर इत्तलात लगाने का फैसला कर लिया गया। फवाद चौधरी के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज भी रहेगा। काबीना डिवीजन से जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। रमजान से पहले मुनाफाखोर बेलगाम, बढ़ा दिए हर चीज के दाम। सब्जियां, दालें और मुर्गी की कीमतों में होशुबा इजाफा। गर्म मसालों की कीमत दिल जलाने लगी। मुल्तान के सस्ते बाजारों से चीनी गायब। एबटाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारें। कराची वाले भी महंगाई से परेशान। हुकूमत ने जकात का निसाब 80,933 रुपए मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सेविंग अकाउंट जिनमें 80,933 रुपए या ज्यादा रकम होगी, इसमें से 2.5% जकात काटी जाएगी। भिखारी माफिया ने इस्लामाबाद ठेके पर दे दिया। शहर 20 जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ गिरोहों ने बांट लिया। जिना सुपरमार्केट, F10 मरकज, F11 मरकज और डबल रोड फैजाबाद, भिखारियों के धंधा पॉइंट्स। एक भिखारी 5,000 की दिहाड़ी लगाता है, रिपोर्ट में इंकशाफ। समुद्री हवाएं फिर रुक गई, पारा 41 डिग्री को छू गया। सूरज की आग ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। माहरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कल मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अमेरिका में अदाकारा मीरा ने जिद पकड़ ली। मीरा पाकिस्तान जाने के लिए ना मानी तो ससुरालियों ने पुलिस बुला ली। स्कैंडल क्वीन की अमरीका छोड़ने की शर्त पर पागलखाने से वापसी हुई थी।